देखो ट्रेसिंग ऑफ 1G टू 5G कोई है यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर एनीवन है कोई इंजीनियर जिसको बताओ व्हाट इज दिस FDMA TDMA एंड CDMA डिफरेंस. हाँ जी वो तो है प्रोटोकॉल बट मतलब कंसेप्ट ये है क्या प्रॉम्प्टिंग इस वजह से डाउट है. नहीं फिर तो मैं अपने हिसाब से बताऊंगा ना अगर आपको आता है बताओ. आई एम फ्रॉम मेडिकल फील्ड. एनीवन फ्रॉम नॉन मेडिकल फील्ड हु वांट टू शो हिज परफॉर्मेंस है कोई वो यार दोनों सलाह कर रहे हैं. मतलब फिर मेरे में गलती मत निकालना ठीक है. मुझे पता है मेरे में ठीक है बट बाद में गलत करना है सर इसमें ये भी है इसलिए पहले पूछ रहा हूँ. तो दिस इज अ टेक्निकल चलो हम कर लेते हैं यार मुझे तो करवानी है. मैं तो सोचता था शायद मुझे बैठने का मौका मिल जाएगा कि एक आधा मिल सकता है. सी प्रीलिम के लिए ये फोकस for the prelim you should know what is difference between FDMA TDMA or CDMA ठीक है. for the mains you should know the application of 5G ठीक है. now it was started. देखो जो मोटा मोटा प्रोसेस ये है फॉर एग्जाम्पल दिस इज द स्पेक्ट्रम यहाँ पे फ्रिक्वेंसी का पूरा स्पेक्ट्रम ठीक है. 94.3 एक फ्रिक्वेंसी है इट इज वन ऑफ द दिस इज द प्रोसेस ऑफ एफडीएमए. क्या फुल फॉर्म है फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस है ना. नाउ इट डिवाइडेड आर फ्रिक्वेंसी सी हाउ दे एलोकेट अ स्पेक्ट्रम. रिसेंटली अब 5G का एलोकेट करेंगे है ना. फॉर एग्जांपल ये स्पेक्ट्रम इज फ्रॉम अ जीरो टू लेके हाईर लेवल तक जाता है. सो फर्स्ट टाइम दे डिसाइडेड दैट वी हैव टू एलोकेट आर स्पेक्ट्रम फॉर कम्युनिकेशन कि हम कम्युनिकेशन भी करें ठीक है. एट दैट टाइम फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस वाला फार्मूला है ठीक है. अगर मैं जनरल बात करूँ जैसे FM वगैरह वो फ्रिक्वेंसी इज वेरी लो. हमारे जो 4G की है 2300 इज देयर 1800 देयर है ना एट स्पेक्ट्रम. इफ दे टॉक अबाउट 1800 उसका मतलब ये है दैट इट विल स्टार्ट फ्रॉम समवेयर. अलग अलग होता है मैं आईडी देता हूँ 1790 से लेकर 1830 या 1840 हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल देर आर फोर कंपनीज इन इंडिया ठीक है. अब यहाँ पर स्पेक्ट्रम ये एलोकेट करना है करो ये 100 मेगाहर्ट्ज का है ठीक है टोटल इसकी विड्थ. नो दे विल ब्रेक इनटू स्मॉल पार्ट ठीक है. अब एक पार्ट सपोज करो एक कंपनी ने दो ले लिए ठीक है. दूसरे दो दूसरी कंपनी लेगी या तीसरे अलग अलग कंपनी जैसे बिडिंग होती है इट डिपेंड अपॉन अ कंपनी. फॉर एग्जांपल 5 ले लिए जियो ने ठीक है यहाँ से बिडिंग से. नो दे विल ब्रेक डाउन अ स्पेक्ट्रम जैसे अभी 3300 एंड 3600 की बातें चल रही हैं 4G है ना. नो दे विल ब्रेक दैट इनटू स्मॉल पार्ट. कुछ फ्रिक्वेंसी एक कंपनी ले जाएगी कुछ दूसरी एंड कुछ तीसरी ठीक है. अब कंपनी के पास फॉर एग्जांपल करो जियो के पास 5 फ्रिक्वेंसी आ गई. अब 5 फ्रिक्वेंसी जियो कैसे यूज करेगा. इट विल एस्टैब्लिश अ टावर ठीक है. सपोज इसने 3 एलोकेट यहाँ पे कर दी इट विल नॉट एलोकेट दी 3 टू अ नियर बाई टावर. वो सेम यहाँ पर रहेगी यहाँ पर दो दूसरी तरफ बिकॉज अदरवाइज क्या होगा इंटरफेरेंस इज देयर. एक तो ये कंसेप्ट हो गया हमारा दैट हाउ दिस प्रोसेस हैपन ठीक है. अब यहाँ पर फ्रिक्वेंसी आ गई अब लोग बात करते रहेंगे दैट इज देयर. सेकेंड थिंग इज बॉर्डर. बॉर्डर एरिया पर चलता नहीं है हमारा जो भी नेट वगैरह है ना. द रीजन इज दैट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 1800 का एलोकेशन हुआ ना इट विल बी सेम इन एवरी कंट्री. इंडिया में भी 1800 दैट्स वाई हमारे बाहर जाते हो आपका मोबाइल क्यों चलता है
आप मोबाइल में स्पेसिफिकेशन लिखी होती है ना कि इस फ्रिक्वेंसी को लेगा नहीं लेगा, है ना। सेम फ्रिक्वेंसी दूसरे नेशन में होगी तो आपका मोबाइल चलेगा, ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल यहाँ पर पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया। नाउ सेम फ्रिक्वेंसी इन बोथ नेशन, दिस इज द टावर, उसको एक किस एरिया तक वो रखेंगे, दैट इफ द पर्सन इज हेयर ही विल नॉट एबल टू टेक अ सिग्नल, ठीक है। दैट्स व्हाई वहाँ पर बॉर्डर एरिया में हमारे जो आर्मी वाले हैं दे आर यूजिंग सैटेलाइट, ठीक है, क्लियर है कंसेप्ट। एलोकेशन कैसे होती है वो वाला हो गया क्लियर। अब बात करते हैं FDMA की। FDMA का टाइम क्या हुआ, इट वॉज अ फर्स्ट जनरेशन, राइट, इसने दे डिसाइडेड टू यूज अ स्पेक्ट्रम फॉर मिलिट्री मिलिट्री पर्पस, जो 1G था, इट इज 1890 to 1950। अब देखो 80-90 मेगाहर्ट्ज़ से 900 इन्होंने एलोकेट किया, कितने हुए टोटल 25 हो गए ना, 25 मेगाहर्ट्ज़। नाउ ईच चैनल, ये वाला ना, अब ये 25 टोटल है, इन्होंने क्या किया ईच चैनल को डिवाइड कर दिया 1, 2, 3 ऐसे, और एक बन गया 200 kbps, ठीक है, उसको मेगाहर्ट्ज को kbps में हमने और किलोहर्ट्ज में, ठीक है। नाउ देयर आर टोटल, अगर हम 25 मेगाहर्ट्ज को 200 से डिवाइड करें, इट इज समवेयर अराउंड 125 चैनल आते हैं। इसका मतलब 125 फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास। मैं रिपीट करूं, दे एलोकेटेड 1890 to 915 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। टोटल फ्रीक्वेंसी की वेट कितनी हुई, अगर 1915 से हम 1890 निकालते हैं 25, नौ तो 25 हो गए। अब एक चैनल जो है उसकी विड्थ है इट इज 200, अगर हम 25 को 200 से डिवाइड करें, ये मेगाहर्ट्ज है किलोहर्ट्ज है, तो हमारे पास आंसर आता है 125। इट मींस दैट देयर आर 125 चैनल इन दिस, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी, वन चैनल कैन बी यूज्ड बाय ओनली सिंगल पर्सन, जैसे आपने देखा होगा आर्मी में जरा जब बात करते थे सिंगल चैनल था, एक फ्रिक्वेंसी थी, ठीक है। दूसरा बात करता था इफ समवन एबल टू नो दैट वो फ्रिक्वेंसी कौन सी है जिस पर वो बात कर रहा है, तो वहाँ से लीकेज हो जाता, ठीक है। तो FDMA की नेगेटिव क्या होंगे, वन इज सिक्योरिटी प्रॉब्लम, है ना, क्योंकि वहाँ पर टैप करना ईजी है। सेकेंड इज सी 125 चैनल एक कार्ड के लिए यूज करते हैं, तो बचे इतने 124, ठीक है। अब 124 चैनल है, इट मीन्स दैट ओनली 124 पीपल कैन टॉक, सो इट मीन्स दैट लेस नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है। इसको खत्म करने के लिए मतलब ये प्रॉब्लम आ गया। अब देखो थर्ड वन इज 200 किलोहर्ट्ज का एक है, ठीक है, टू टॉक वी नीड समवेयर अराउंड 13 kbps, बात करने के लिए हमें जो स्पेस चाहिए दैट इज अराउंड 13 kbps, ठीक है। नाउ यू नीड अ 13 kbps बट यू आर यूजिंग अ 200, है ना, तो इट मींस दैट इट इज अ वेस्टेज ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना। अगर आपको इतना ही बात करने के लिए चाहिए देन यू कैन टॉक इन दैट मच स्पेस, क्लियर है। दोबारा रिपीट करूं, बोलो, हाँ जी, क्लियर है। इट मीन्स दैट FDMA हैव अ नेगेटिव, वन इज लेस नंबर ऑफ कंज्यूमर, सेकंड इज द सिक्योरिटी प्रॉब्लम, ठीक है। सो ऑल दीज इशू आर देयर, तो इसको उन्होंने सॉल्व करने के लिए क्या किया, ग्रेट। उसके बाद आया TDMA, इसकी फुल फॉर्म क्या है, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। सी अब देखो बिफोर, इससे पहले क्या था, एक चैनल 200 का एक चैनल था, ये कितने बंदे यूज करते थे, सिंगल, ठीक है ना। नाउ दे डिवाइडेड दिस इनटू 8 पार्ट्स, ठीक है, एक इट इज जस्ट लाइक अ ट्रेन,
वहां पर एक फ्रीक्वेंसी को यूज कर रहा था ओनली सिंगल, नाउ दे डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स. इट मींस देयर फॉर एग्जांपल आपने बोला करंट, नाउ दिस इज लाइक अ ट्रेन, इट विल मूव कंटीन्यूअसली विद इन अ मिलीसेकंड एक और दूसरी आ जाएगी, जिसमें फिर डिवीजन कितनी होगी 8. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कॉल की एंड यू आर सेइंग व्हाट्सएप. ठीक है, नाउ आपने दूसरा स्लॉट यूज कर रहे हो, इट मींस दैट एट हियर 1, 2, 3 डिफरेंट कस्टमर कैन बी देयर कंज्यूमर. ठीक है, आपका सेकंड में सिग्नल आएगा, सेकंड टाइम स्लॉट में, इसमें टाइमिंग दे दी विद इन अ वर्ड्स. आप बोलते हो वर्ड्स, मान लो इसमें आ गया, आप इस सेकंड में आएगा. ठीक है, ऐसे ट्रेन वो चलती रहेगी और हमारा सिग्नल ट्रांसमिट होता रहेगा. नाउ बेनिफिट क्या था इसका, मोर कस्टमर, क्योंकि यहाँ पर सिंगल चैनल इज यूज बाय सिंगल पर्सन. अब उसको भी हमने 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इट मींस दैट वी आर यूजिंग दैट 8 पर्सन कैन यूज सेम चैनल. ठीक है, अब उसने इसमें भी कमी थी दैट फॉर एग्जांपल आपका कोई सिग्नल, आपने यहाँ पर वर्ड्स बोला, आपका भी इसमें आएगा. ठीक है, लेकिन वो सिग्नल आपका डिले है, देन दिस हैव टू वेट. इसको हल्का सा एक लैग पीरियड देते हैं दैट दिस ट्रेन हैव टू वेट टू कैच अप दैट सिग्नल. अब ठीक है, तो उसमें थोड़ा एक तो टाइम लैग की प्रॉब्लम आ गई, सेकंड इज प्रॉब्लम ऑफ वेस्टेज ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑल्सो इज देयर. फॉर एग्जांपल आपने कॉल की दूसरे को, आप सो गए क्योंकि आजकल तो फ्री है. ठीक है ना, आपने वो बस कॉल चलेगी ना, बात हो रही है बस, वो ऑन है दोनों तरफ से. ठीक है, इन दैट सिनेरियो जो टाइम स्लॉट है विल बी ऑक्यूपाइड, उसमें कुछ सिग्नल आए भी नहीं आए, इवन देन इट इज देयर टू इट इज नॉट अवेलेबल फॉर एनीवन. ठीक है, एक ये इशू आ गया. अब क्या हुआ, इन्होंने लिख रहा है CDM ओ डिवीजन मल्टीपल एक्सेस. नो, इसमें बोला ये ट्रेन वेन कुछ नहीं है. ठीक है, इट इज नॉट अबाउट 8. क्या 8 में तो देखो, इट इज जस्ट लाइक रिजर्वेशन. सपोज करो आप जलंधर से दिल्ली जा रहे हो, तो आप 8 डब्बे हैं. ठीक है, आपने रिजर्व कर दिया है, आप गए नहीं, तो वो तो खाली जाएगा ना, इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ, बाकी सारे वो पीछे चालू डब्बे में जड़े हुए हैं. ठीक है, वो होता है जब टिकट लेकर सीधे चले जाते हैं, तो वहाँ पर तो प्रॉब्लम आ गई. उसको दूर करने के लिए इन्होंने लिया कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस. नाउ इन कोड डिवीजन उन्होंने क्या बोला, सपोज दिस इज द ट्रैक. ठीक है, इफ यू वांट टू सेंड अ सिग्नल, ठीक है, जस्ट सेंड अ सिग्नल, वो एज ए कोड जाएगा. वहाँ पर तो 8 स्पेसेस फिल्ड थी, इवन इफ अगर कॉल में बात नहीं हो रही तो खाली जाएगा, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है. अगर आपने दूसरा सिग्नल भेजना है आप भेजो फिर कोड, तीसरा ऐसे ऐसे चलती जाएगी. मतलब इफ यू आर नॉट सेंडिंग अ सिग्नल तो वहाँ पर कोई खाली डब्बा नहीं जाएगा. सो इट मीन्स दैट दिस इज मोर एफिशिएंट एज कम्पेयर टू अदर. अब इसकी उन्होंने बैंडविड्थ को इंक्रीज कर दिया. ना बैंडविड्थ का तो पता ही आपको, इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, मल्टीपल यूजर कैन गेट एक्सेस, है ना. वहाँ पर क्या था, फ्रिक्वेंसी को डिवीजन दिया था, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी डिवीजन है नहीं है, ओनली टाइम डिवीजन. हेयर ऑल्सो नॉट अ फ्रिक्वेंसी डिवीजन, मल्टीपल यूजर कैन यूज. ठीक है, क्लियर. अब देखो इसको उन्होंने बात निकाल दिया WCDM, वाइड CDM, वाइड CDM में उन्होंने किया दे फर्दर इंक्रीज बैंडविड्थ. उसके बाद हमारा जो VoLTE, ठीक है, वो आ गया, दैट इज लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन है, दैट इज बेस्ड ऑन WCDM. उसकी जो बेसिक है ना, दैट इज बेस्ड ऑन WCDM. तो हमें जो क्वेश्चन आएगा, इट कैन बी कि हाँ उसके फ्रिक्वेंसी डिवीजन में क्या नेगेटिव था और पॉजिटिव क्या है, और भी क्लियर. मतलब इसके बाद वो WCDM के बाद जो लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन है उसमें बस बैंडविड्थ इंक्रीज करते हैं. नाउ द 5G हेयर ऑल्सो दे विल इंक्रीज अ बैंडविड्थ ताकि वो मल्टीपल यूजर यूज करें. बैंडविड्थ के बारे में पता है ना, ठीक है, क्लियर, समझ आए. ओके, नाउ वी विल राइट द फर्स्ट जनरेशन. फर्स्ट जनरेशन में लिखो FDMA, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस. फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस
का नेगेटिव क्या है, वन चैनल वन यूजर, ठीक है, नेगेटिव लिखा वन चैनल वन यूजर। सेकंड पॉइंट वॉइस नीडेड बैंडविड्थ, वॉइस नीडेड बैंडविड्थ ऑफ 13 kbps, of 13.13 kbps, but here it is given 200 kilohertz, so wastage of frequency. आगे CDMA second generation, actually it is 2.5 TDMA. The same frequency unit can be allocated to 8 people. The same frequency unit, you 200 kilohertz, can be allocated to 8 people or 8 consumers. ठीक है, TDMA की एडवांटेज क्या थी, एफिशिएंट यूज ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी, है ना, वन इज एफिशिएंट यूज ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी, द सेकंड वन इज क्वालिटी ऑफ स्पीच इज बेटर एज कंपेयर्ड टू FDMA. व्हाई? बिकॉज़ FDMA वाज एनालॉग एंड दिस इज द डिजिटल. Quality of speech better as TDMA is a digital and FDMA was a analog. Next point is speech is encrypted. See, speech is encrypted. मतलब देखो आपके पास सिम है वो आएगा, है ना, ऑन दैट इंक्रिप्शन इज रिटन, आपका कोई टॉवर से मैसेज आएगा दैट विल बी डी इनक्रिप्टेड बाय सिम, तो वो वहीं से, अगर जैसे सपोज करो आपके पास जियो का सिम है ना, नाउ जियो के सिम में वो अल्टीमेटली उनके टॉवर से वो कनेक्शन होता है, वो सिम में वही मॉडिफिकेशन जो भी उनकी कॉन्फ़िगरेशन होगी दैट विल बी देयर, तो वहाँ से आपका मैसेज एज ए इनक्रिप्टेड आएगा फ्रॉम अ टावर टू योर मोबाइल एंड यूर सिम विल डी इनक्रिप्टेड. तो यहाँ पर सिक्योरिटी फीचर इज देयर इन TDMA. ठीक है, CDMA में क्या है, अब TDMA का नेगेटिव लिख लो, CDMA का इसीलिए रोया है, इन TDMA का नेगेटिव पॉइंट है द चैलेंज ऑफ सिंक्रोनाइजेशन इन टाइम स्लॉट, सिंक्रोनाइजेशन इन टाइम स्लॉट, चैलेंज ऑफ सिंक्रोनाइजेशन इन टाइम स्लॉट, सो हैव टू गिव अ गार्ड टाइम, गार्ड मेक इट स्लाइटली इनएफिशिएंट, सो हैव टू गिव अ गार्ड टाइम, GUARD, विच मेक इट स्लाइटली इनएफिशिएंट. अब देखो यहां पर which makes it slightly inefficient, ठीक है, here the TDMA is here, आपका words यहाँ पर आ गया message, आपको अगर यहाँ पर नहीं fit बैठता, ठीक है, suppose करो ये वाली train जल्दी आ गई, then it means that if it is 30th and 31 is there, अगर ये यहाँ पर problem आ गई, synchronization की problem आएगी ना, that in every train you have to fit your voice in second portion. सो टू अप्लाई दैट इन्होंने क्या किया, एक ट्रेन आ गई सपोज, दूसरी को थोड़ा डिले किया, सो दैट वो मैसेज पूरा आ रहे हैं एंड अल्टीमेटली इट विल बी एलोकेटेड टू दीज ऑल 8 प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, ड्यूरिंग दोज डिले, वो डिले ने क्या कर दिया इसको इनएफिशिएंट बना, ठीक है, क्लियर, दैट इज डिले इज कॉल्ड अ गार्ड टाइम, कि आपने गार्ड टाइम दे दिया. CDMA
in this multiple users, in this multiple user can access through pseudo random code. Pseudo spelling. Random के भी नहीं. Pseudo random code. ठीक है. मतलब यहाँ पर कोडिंग हो रही है. Pseudo random मतलब you are putting a randomly code. यहाँ पर एक 8 जैसे आ रही थी ना train, that 8 slot will be there. Here is no not about the slot. यहाँ पर आपके पास मैसेज है, यू कैन सेंड देयर, दैट्स ऑल. ठीक है. हायर डाटा रेट कैन बी अचीव. द सेकंड पॉइंट इज हायर डाटा रेट कैन बी अचीव. सीडीएमए ने इन्होंने बैंडविड्थ कितनी कर दी है, इट इज 1.23 मेगाहर्ट्ज. पहले में कितनी थी, 200 है ना, 200 किलोहर्ट्ज थी. नाउ दे इंक्रीज द बैंडविड्थ टू 1.23 मेगाहर्ट्ज. ठीक है. WCDMA WCDMA इज अ 3G, इट्स अ वाइड बैंड. बैंडविड्थ कितनी इंक्रीज कर दी है, 5 मेगाहर्ट्ज. ठीक है, क्लियर. नाउ वी विल डिस्कस द चैलेंज ऑफ 5G. नाउ 5G के बारे में आपको कुछ है आइडिया, 4G में क्या था. ऑन दैट बेसिस हमने POLT बनाया ना. यस, इसके बाद तो हमारा सारा काम ही वही हो गया. इट इज 1G जो है इट इज FTMA, 2G इज TDMA और 2.5 इज CDMA. उसके बाद 3G आया, दैट इज WCDMA. ठीक है. उसके बाद 4G, यू नो दैट POLT इज देयर. ऑन द बेसिस ऑफ WCDMA दे मेक अ रेवोल्यूशन इन.